नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपको बता दें कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव जिनके नतीजे और तस्वीर लगभग साफ है। राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार मिलती हुई दिखाई दे रही है। 199 सीटों पर वोटिंग हुई, मतदान हुआ और आपको बता दें रुझानों के अनुसार 115 सीटें बीजेपी को मिल रही है। यानी कि साल 1993 से जो एक रिवाज चलता आ रहा था कि कोई भी सरकार दो बार रिपीट नहीं होगी, वो रिवाज यूं ही बरकरार रहेगा। अशोक गहलोत जो जादूगर कहे जाते हैं, शायद हो सकता है कि इस बार उनका जादू नहीं चला और वहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि शुरू से ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे और आलाकमान के बीच जो तल्खी देखी जा रही है, उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी की सरकार को इस बार लोग पसंद ना करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाहे वहां पर सीएम का चेहरा अभी तक आलाकमान की तरफ से घोषित नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वहां पर अभी भी बीजेपी की सरकार और 115 सीटें काफी अहम हो जाता है। राजस्थान को लेकर शुरू से पेश था, यह कहा जा रहा था कि देखिए पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है और बंपर सीटें मिल रही हैं। और अमूमन जगहों से राजस्थान में बीजेपी की सीटों पर जो प्रत्याशी है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। सरदारपुरा, हालांकि जो अशोक गहलोत का गढ़ है वहां पर अशोक गहलोत आगे है, लेकिन अब सवाल ये कि अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाती है, जो कि रुझानों में आप देखिए बंपर बहुमत मिल रहा है, 114 सीटें मायने रखती हैं, 114 सीटें मिल रही है बीजेपी को, अगर राजस्थान में सरकार बनाती है तो सीएम कौन बनेगा? और सीएम को लेकर लगातार कशमकश थी। दिया कुमारी का नाम सामने आ रहा था जो राजस्मन से प्रत्याशी है, और ऐसे तमाम ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर यह कहा जा रहा था कि बीजेपी किसे आगे रखेगी। बाबा बालकनाथ, जिन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है, किरोड़ी लाल मीणा, ये तमाम वो नाम है जिनको लेकर बीजेपी थोड़े बहुत लोग लगा रहे थे अंदाजा कि इनको आगे कर सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि तिजारा की सीट से जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीतते दिखाई दे रहे हैं, उनको सीएम बनाया जाएगा। यानी कि 6 साल की उम्र में जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जो सन्यासी हो गए थे, जो देखने में योगी की तरह लगते हैं, रौब रुतबा उनका राजस्थान में बिल्कुल वैसा ही है, भौकाल उनका वैसा ही है, तो हो सकता है उनको सीएम बना दिया जाए। ये वही बाबा बालकनाथ हैं जो अभी हाल ही में तिजारा की सीट से जब उन्हें उतारा था और वो तिजारा पहुंचे थे तो ये कहा जा रहा था कि जनता ने उनका बहिष्कार कर दिया, उनको वैसा जनसमर्थन वहां पर नहीं मिल रहा है। ये वही बाबा बालकनाथ है जिन्होंने कांग्रेस के जो वहां से उम्मीदवार है इमरान खान, जो पहले बीएसपी की तरफ से चुनावी क्षेत्र में उतरे थे लेकिन रातों रात थोड़ा उलटफेर हुआ और उसके बाद इमरान खान को कांग्रेस ने अपने यहां से टिकट दिया, अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस के लिए काफी हद तक डैमेज भी इमरान खान ने तिजारा की सीट पर जो वोटों का मार्जिन है वो कम किया है। इमरान खान आगे की तरफ शुरुआती रुझानों में बढ़े थे, लेकिन बाबा बालकनाथ को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह महंत सन्यासी इस सीट से जीत दर्ज करवाने के बाद उनका राज तिलक होगा। यानी कि राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर बाबा बालकनाथ बैठ सकते हैं और बाबा बालकनाथ को लेकर ये कयास तब से लगाए जाने लगे थे जब उनका नाम लिस्ट में सामने आया था, क्योंकि जो प्रयोग यूपी में बीजेपी की तरफ से किया गया था योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाकर, वो प्रयोग सफल रहा, वो इतना सफल रहा कि यूपी में दोबारा सरकार बनी। हो सकता है राजस्थान में भी अगर राजस्थान के योगी को वहां पर बनाया जाता है सीएम तो ये प्रयोग इतना सफल हो कि आगामी जो चुनाव हो, और सीधे सीधे अगर बालकनाथ को सीएम बनाया जाता है तो उनका प्रभाव हरियाणा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी उनका बहुत ज्यादा महत्व है। अब महंत संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं और रोहतक के अस्थल बोहर जो जगह है वहां पर बाबा मस्तनाथ मठ के वो मठाधीश भी हैं और वहां पर भी उनका काफी वर्चस्व है। तो हरियाणा के जो वोट, हरियाणा का जो वोट बैंक है वो भी बीजेपी का पुख्ता होगा और राजस्थान का भी होगा अगर उन्हें सीएम बनाते। तो ये कहा जा रहा है कि आप देखिए 2024 साधने में भी बहुत ज्यादा मदद वहां पर बीजेपी को मिलेगी और ये भी कारण है कि अब भाजपा चाहती है और जनता भी, राजस्थान की जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ की तरह ही एक सीएम जो बने वो राजस्थान में योगी आदित्यनाथ की तरह का ही हो, इसीलिए बाबा बालकनाथ को आगे भी किया जा रहा था। हालांकि लड़ाई ये देखी जा रही थी कि दिया कुमारी हो सकती है और बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे, जिन्होंने दो बार सरकार बनाकर दी, पहली महिला मुख्यमंत्री जो रही, ये कहा जा रहा था कि उनके समर्थक ये कहते हैं कि वहां पर भी महारानी को एक चांस और देना चाहिए, उन्हें खड़ा करना चाहिए। हालांकि महारानी को हर मंच पर हर बार पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भी अनदेखा किया गया। बाबा बालकनाथ बहुत ही ज्यादा
एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए राजस्थान में साबित हुए। ये कहा जाता है कि उनका अन्य सीटों पर भी प्रभाव देखा गया। योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना, उनके लिए पूरे जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करना, और बहुत बड़ी खुशखबरी ये बीजेपी के लिए होगी, 112 सीटें। अब देखिए 112 सीटें बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस 67 पर है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा। बहुमत की सरकार राजस्थान में, अशोक गहलोत का जादू थोड़ा कम होगा। और बाबा बालकनाथ की हम बार बार इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बाबा बालकनाथ को हम देख रहे थे कि उनके विवादित बयानों को लेकर उन्हें बार बार ये कहा जा रहा था, चाहे वो वोट का बयान हो कि आप एक वोट डालेंगे वो वोट आगे बढ़कर हमें वापस मिलेंगे, या फिर इमरान खान को तालिबानी कहकर पुकारना हो। राजस्थान को ये कहा जाता, उनकी तरफ से कहा गया कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन इसके बाद भी ये कुछ भी उन्हें डैमेज नहीं कर पाया। तिजारा की सीट, अहम सीट, जहां से हिंदू मुस्लिम करने के बाद भी वोट जो है, और ये कहा जा रहा था कि वहां के मुस्लिम जो है वो वोट नहीं देंगे, वो वोट ध्रुवीकरण होते हुए इमरान खान के खाते में जाएंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो वोट भी, क्योंकि मुस्लिम के बीच भी बालकनाथ पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, मैं अगर यहां जीतता हूं तो मैं यहां के लिए काम करूंगा, पानी का जो मुद्दा है, शिक्षा का जो मुद्दा है, सड़कें जो नहीं बनी हुई है मैं ये सब बनवाऊंगा, ये उनके वादे थे। जब वो वहां पर पहुंचे थे तिजारा के अल्पसंख्यकों से जब उन्होंने बात की थी तो लोगों ने उनसे सवाल भी किया कि देखिए यहां पर आते हैं और जीतने के बाद कोई काम नहीं करते, लेकिन बाबा बालकनाथ ने कहा था कि आप लिख के ले लीजिए, मैं जब यहां से जीतूंगा आपके बीच दोबारा आऊंगा और मैं एक एक काम करके दिखाऊंगा। तो अभी कयास यही है कि तिजारा से जीतने के बाद बाबा बालकनाथ का राज तिलक होगा और ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट बीजेपी को राजस्थान के साथ साथ हरियाणा की राजनीति में भी देने वाला है, और बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी ये बीजेपी की तरफ से होगा। बाबा बालकनाथ को सीएम बनते देखते हुए आपको कितनी खुशी होगी? आप किसे चाहते हैं बालकनाथ के अलावा भी कि कोई और इस सीट पर, इस कुर्सी पर बैठे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं। दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल के गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं, जो गरीब उत्थान की योजनाएं, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। ओल्ड पेंशन भी नहीं चला सर, लाडली बहना का कमाल कहेंगे कैसे? अब मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण। दिग्विजय सिंह दो दिन से आप पे अटैक कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा, आज भी कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, नहीं होगी, उनके हर एक